गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग के अंतर्गत दी गई गज़ल जिसके रचयिता दुष्यंत कुमार हैं। सर्वप्रथम मैं आपको दुष्यंत कुमार के बारे में जानकारी प्रदान कर दूं। दुष्यंत कुमार हिंदी साहित्य में गज़ल की विधा को प्रतिष्ठित करने का श्रेय प्राप्त करते हैं, अर्थात एकमात्र हिंदी साहित्य में गज़ल लेखन वाले साहित्यकार के रूप में इनको जाना जाता है। इनका जन्म 1933 में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं के रूप में सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का वसंत जो काव्य संग्रह हैं, एक कंठ विश्वाई शीर्षक के नाम से इनका गीति नाट्य लिखा गया है जो बहुत प्रशंसित और महत्वपूर्ण कृति इनकी मानी जाती है, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। 38 वर्ष की कम उम्र में ही इनका निधन हो गया, परंतु इन्होंने आकाशवाणी और साहित्यिक संस्थाओं के साथ जुड़कर पत्रकारिता से जुड़कर के अपने आप को एक महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित किया। यहाँ पर आपको दुष्यंत की जो गज़ल दी गई है वो गज़ल उनके संग्रह साये में धूप से ली गई है। वैसे गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं होता, इसलिए इस गज़ल का आपको कोई शीर्षक नहीं दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गज़ल होती क्या है। गज़ल साहित्य के अंतर्गत एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल होते हैं, पूर्ण होते हैं या स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी भी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती कि आपको इसके बाद ये पढ़ना है, आप उसे कहीं पर भी कैसे भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद भी दो चीज़ें ऐसी होती है गज़लों में जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती है। एक तो होता है तुकबंदी, मतलब तुक का निर्वाह करना, और दूसरा होता है उसके अंदर किस विषय को संग्रहित किया गया है, अर्थात उसकी अंतर्वस्तु क्या है, उस अंतर्वस्तु के स्तर पर उसका शायर का मिजाज क्या रहा है, उसका निर्वाह कैसे हो सकता है। आप जैसे इस गज़ल में देखेंगे कि पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिल रहा है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस पहले शेर के तुक का निर्वाह हो रहा है। देखिए, शहर के लिए, उम्र भर के लिए, सफ़र के लिए, नज़र के लिए, असर के लिए, बहर के लिए, गुलमोहर के लिए, तो ये तुक का निर्वाह हो रहा है। आमतौर पर जो गज़ल होती है उस गज़ल के जो शेर होते हैं उनमें कोई न कोई मूल भाव या केंद्रीय भाव का होना जरूरी होता है। ये गज़ल एक खास मना स्थिति में लिखी गई है जिसमें दुष्यंत कुमार ने राजनीति और समाज में जो कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है उसे खारिज करने या बदलने और उसके विकल्प की तलाश को मान्यता देने के भाव के रूप में प्रस्तुत किया है। एक तरह से इसे गज़ल का केंद्रीय भाव कहा जा सकता है। इस प्रकार यह जो गज़ल है दुष्यंत की हिंदी गज़ल का एक सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। यहाँ पर उस स्थिति का चित्रण किया गया है कि जब हमने सोचा था कि आज़ादी के बाद समस्त भारतीयों के जीवन में मूलभूत सुख सुविधाएं होंगी, परंतु आज आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी क्या भारतीयों को रोटी, कपड़ा और मकान पूरी तरह से नसीब हुआ? क्या उनको जीवन की मूलभूत सुख सुविधाएं प्राप्त हुई? क्या आप बता सकते हैं मुझे क्या आज भारतीयों के जीवन में मूलभूत सुख सुविधाएं है या नहीं? इसलिए कवि यहाँ पर कह रहा है उस स्थिति का चित्रण करते हुए कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। तय था यानी निश्चितता, चिरागा यानी दीपक। दीपक किसका? मूलभूत सुख सुविधाओं का, अधिकारों का, जो दीपक है, जो रोशनी है, प्रत्येक भारतीय के जीवन में होनी चाहिए। परंतु कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, मयस्सर यानी उपलब्ध। तो कवि दुष्यंत कुमार क्या कहना चाहते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कि कहाँ तो हमने ये तय किया था, हमने ये निश्चित किया था कि आज़ादी के बाद
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चिराग यानी मूलभूत सुख सुविधाएं और अधिकारों का दीपक हर घर के लिए उपलब्ध होगा। परंतु आज भी जब हम वर्तमान स्थिति का अवलोकन करते हैं या देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, उस स्थिति को प्रकट करते हुए कवि कह रहे हैं कि कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कि आज हम जब देखते हैं तो हमें वो चिराग, वो दीपक, वो मूलभूत सुख सुविधाएं, वो अधिकार आज भी पूरे के पूरे शहर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनके लिए वो सुख सुविधाएं या अधिकार उपलब्ध नहीं है। अब आगे वाले शहर में देखिए, राजनेताओं के और राजनीति के ऊपर व्यंग्य है कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती। दरख्त यानी पेड़, दरख्त का मतलब होता है पेड़, और पेड़ यहाँ पर किसको कहा है, शासन के कर्णधार लोगों को, शासन को चलाने वाले लोगों को या शासन के प्रमुख लोगों को। हमें लगता है कि उन शासन के कर्णधार लोगों के साये में जाकर के, छाया में जाकर के, आश्रम में जाकर के हमें सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, मूलभूत सुख मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे, परंतु वहां पर भी हमें किसकी प्राप्ति होती है, धूप अर्थात कष्टों की ही प्राप्ति होती है। तो क्या कहा कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, कि यहाँ हम जिनको दरख्त मानते हैं, जिनको पेड़ मानते हैं, अर्थात उन शासन के कर्णधार लोगों के साये में जाने पर भी, आश्रम में जाने पर भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, हमें सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं होती, हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कवि उस स्थिति से बचने के लिए पलायन की मानसिकता को प्रकट करते हैं, पलायनवाद के भाव को प्रकट करते हुए कह रहा है कि चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए, कि वो इस स्थिति से दूर जाना चाहता है। इसलिए क्या कह रहा है कि अगर हमें सुख सुविधाएं प्राप्त करनी है, कष्ट ही जीवन प्राप्त करना है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से संपूर्ण जीवन दूसरी जगह पर जीने के लिए चले जाते हैं। और कौन सी जगह जाना चाहता है, जहाँ पर मूलभूत सुख सुविधाएं अधिकार पूरी तरह से प्राप्त होते हैं। तीसरा जो शेयर प्रस्तुत किया है उसमें भारतीय लोगों की जो संतोष की मनोवृत्ति है, हमारे यहाँ कहा भी जाता है संतोषी सदा सुखी, परंतु ध्यान रखना संतोषी सुखी हो सकता है परंतु उसे अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसे सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कभी कभी लड़ना भी पड़ता है, संघर्ष भी करना पड़ता है, विद्रोह का भाव भी रखना पड़ता है। परंतु यहाँ पर उस संतोष की मनोवृत्ति को प्रकट करते हुए कवि कह रहा है कि हम ऐसे संतोष की मनोवृत्ति के धारण करने वाले लोगों को देखते हुए हम कैसे मान सकते हैं इस चीज़ को कि हम जिस बदलाव के सफर की बात कर रहे हैं, हम समाज में जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों के सहारे हमें प्राप्त हो सकेगा। तो क्या कहा कि ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। कि ये भारतीय लोग जो संतोष की मनोवृत्ति को धारण करने वाले हैं, इनकी स्थिति कैसी है, अगर इनके पास पहनने के लिए कमीज नहीं है तो ये क्या करते हैं, ये पांवों से पेट को ढक लेते हैं, अर्थात सर्दी से बचने के लिए अपने शरीर को सिकोड़ कर पांवों से पेट को ढक कर बैठ जाते हैं। आखिर मैं जिस बदलाव के सफ़र की बात कर रहा हूँ, उस बदलाव के सफ़र के लिए ये लोग कितने मुनासिब है, मुनासिब अर्थात उचित। सफ़र कौन सा, बदलाव का, क्रांति का, विद्रोह का, अधिकारों की प्राप्ति का, कि ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कि मैं जिस बदलाव के सफ़र की बात कर रहा हूँ, उस सफ़र के लिए आखिर ऐसे संतोष की मनोवृत्ति को धारण करने वाले लोग कितने मुनासिब हैं, अर्थात कितने उचित हैं, अर्थात कवि के दृष्टिकोण से ऐसे लोग बिल्कुल भी उस बदलाव के सफ़र के लिए उचित नहीं हैं। अब भारतीयों की भाग्यवाद की मनोवृत्ति, कि भाग्य और ईश्वर को सब कुछ मानते हैं, कि जो कुछ हो रहा है ईश्वर की वजह से हो रहा है, भाग्य की वजह से हो रहा है, उस पर भी व्यंग्य किया, क्योंकि हम लोग उस ईश्वर के रूप में, भाग्य के रूप में एक सुंदर कल्पना करते हैं। तो क्या कहा, खुदा नहीं, लेखक कह रहा है कि खुदा नहीं है, ईश्वर कहीं भी नहीं है, ना सही, तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन खुदा उस ईश्वर के रूप में, उस भगवान के रूप में, ये क्या है, आदमी का एक सुंदर ख्वाब है, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, क्योंकि उस ईश्वर के रूप में एक सुंदर नज़ारा तो उस आदमी की नज़र के लिए उपलब्ध है, जिसको वो हमेशा देखता रहता है। अब उन शासन के कर्णधार लोगों की बेखौफ मनोवृत्ति को प्रकट करते हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि संतोष की मनोवृत्ति को धारण करने वाले कभी बदलाव की बात नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें इस बात का विश्वास है, वो विश्वस्त हैं, ये भारतीय लोग पत्थर हैं और ये कभी पिघल नहीं सकते, इनमें कभी विरोध का, कभी संघर्ष का भाव नहीं आ सकता। इसलिए क्या कहा कि वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मुतमईन अर्थात विश्वास है उन्हें, विश्वस्त हैं कि पत्थर कौन, भारतीय लोग जो संतोष की मनोवृत्ति को धारण करते हैं। बेकरार हूँ अर्थात बेचैन हूँ,
कवि क्या कह रहा है कि वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। कवि कह रहा है यहाँ पर कि वो शासन के कर्णधार लोग इस बात के प्रति विश्वस्त हैं, उन्हें विश्वास है कि भारत के लोग जो संतोष की मनोवृत्ति को धारण करने वाले हैं अर्थात पत्थर के समान हैं, ये कभी पिघल नहीं सकते। लेकिन मैं जो बदलाव चाहता हूँ, कवि स्वयं के बारे में कह रहा है, मैं जो बदलाव चाहता हूँ तो मैं बेचैन हो रहा हूँ। किस चीज़ के लिए? अपनी आवाज़ में असर के लिए, अर्थात मैं अपनी आवाज़ में वो असर लाना चाहता हूँ जिससे ये संतोष की मनोवृत्ति को धारण करने वाले लोग जागृत हो, इनके मन में संघर्ष का भाव जागृत हो, अधिकारों की प्राप्ति का भाव जागृत हो, क्रांति का भाव जागृत हो। इसलिए कवि अपनी आवाज़ में ऐसा असर पैदा करना चाहता है। तत्पश्चात शासन के सूत्रधार, शासन के कर्णधार लोगों के ऊपर व्यंग्य कर रहा है कि वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग किस तरह से करते हैं, कि तेरा निज़ाम है, निज़ाम अर्थात शासन जो क्या कर सकता है, ऐसे शायर जो बदलाव का स्वर लाना चाहते हैं कभी कभी उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। इसलिए शायरों को ये सावधानी रखना जरूरी है कि जिस बदलाव के छंद की वो बात कर रहे हैं उसके लिए वो इतने सावधान रहें कि उनकी आवाज़ को बंद नहीं किया जा सके। बहर का मतलब छंद, एहतियात का मतलब सावधानी। तो क्या कहा कि तेरा निज़ाम है सिल दे ज़ुबान शायर की, कि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा निज़ाम है अर्थात तुम्हारा शासन है, जो तुम क्या कर सकते हो कि मुझ जैसे बदलाव के सफ़र की बात करने वाले, मुझ जैसे बदलाव के स्वर को प्रकट करने वाले शायरों की ज़ुबान को बंद कर सकते हो। इसलिए हमें ये एहतियात जरूरी है, हमें ये सावधानी रखना जरूरी है। किसके लिए? इस बहर के लिए अर्थात इस बदलाव के छंद के लिए हमें ये सावधानी रखना जरूरी है कि आप जैसे शासन को चलाने वाले लोग हमारी आवाज़ को बंद ना कर सकें। तत्पश्चात अंत में कवि क्या कह रहा है कि अगर हमें जीवन जीना भी पड़े तो अपने उस बगीचे में जिए अर्थात अपने उस वतन में जिए जिसमें सारा गुलमोहर, सांकेतिक अर्थ क्या है, सुख सुविधाओं के तले, मतलब हमें सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो ऐसी जगह पर, ऐसे वतन में, ऐसे जगह पर हम अपना जीवन जिए। और अगर हमें मरना भी पड़े तो चाहे दूसरों की गलियों में मरे लेकिन उनके जीवन में सुख सुविधाओं लाने के लिए हमारी मृत्यु हो। तो कवि कह रहा है जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, कि अगर हमें जीवन जीना भी पड़े तो हम अपने उस बगीचे में, अपने उस वतन में जीवन जीना चाहते हैं जहाँ पर हमें गुलमोहर की छाया प्राप्त हो अर्थात हमें सारी सुख सुविधाएँ प्राप्त हो, हमें अधिकार प्राप्त हो, और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कि अगर हमें मरना भी पड़े तो हम गैर की गलियों में भी जा करके मरें तो किसके लिए मरें? उनके जीवन में और स्वयं के जीवन में सुख सुविधाएं लाने वाले गुलमोहर के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान करें। ये मूल भाव इस कविता में दुष्यंत कुमार के द्वारा प्रकट किया गया है। धन्यवाद।